साथियों, सरदार साहब की जन्म जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस ये हमारे लिए केवल तारीख भर नहीं है, ये भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य का एक महापर्व भी है। भारत के लिए एकता कभी भी विवस्ता नहीं रही है, भारत के लिए एकता सदा सर्वदा विशेषता रही है, एकता हमारी विशिष्टता रही है। एकता की भावना भारत के मानस में, हमारे अंतर्मन में कितनी रची बसी है, हमें अपनी इस खूबी का अक्सर एहसास नहीं होता है, कभी कभी ओझल हो जाती है। लेकिन आप देखिए, जब भी देश भर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। आपदा उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरब में हो या पश्चिमी हिस्से में, ये मायने नहीं रखती है। पूरा भारत एकजुट होकर सेवा, सहयोग और संवेदना के साथ खड़ा हो जाता है। कल ही देख लीजिए ना, मोरबी में हादसा हुआ, उसके बाद हर एक देशवासी हादसे का शिकार हुए लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। स्थानीय लोग हादसे की जगह पर अस्पतालों में हर संभव मदद के लिए खुद आगे आ रहे हैं। यही तो एकजुटता की ताकत है। कोरोना का इतना बड़ा उदाहरण भी हमारे सामने है। ताली थाली की भावनात्मक एकजुटता से लेकर राशन, दवाई और वैक्सीन के सहयोग तक देश एक परिवार की तरह आगे बढ़ा। सीमा पर या सीमा के पार जब भारत की सेना शौर्य दिखाती है तो पूरे देश में एक जैसे जज्बात होते हैं, एक जैसा जज्बा होता है। जब ओलंपिक्स में भारत के युवा तिरंगे की शान बढ़ाते हैं तो पूरे देश में एक जैसा जश्न मनता है। जब देश क्रिकेट का मैच जीतता है तो देश में एक जैसा जुनून होता है। हमारे जश्न के सांस्कृतिक तौर तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन भावना एक जैसी ही होती है। देश की ये एकता, ये एकजुटता, एक दूसरे के लिए अपनापन, ये बताता है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की जड़ें कितनी गहरी है। और साथियों, भारत की यही एकता हमारे दुश्मनों को खटकती है। आज से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों पहले गुलामी के लंबे कालखंड में भी भारत की एकता हमारे दुश्मनों को चूपती रही है। इसलिए गुलामी के सैकड़ों वर्षों में हमारे देश में जितने भी विदेशी आक्रांत आए, उन्होंने भारत में विभेद पैदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने भारत को बांटने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए सब कुछ किया। हम फिर भी उसका मुकाबला कर सके, क्योंकि एकता का अमृत हमारे भीतर जीवंत था, जीवंत धारा के रूप में बह रहा था। लेकिन वो कालखंड लंबा था, जो जहर उस दौर में घोला गया उसका नुकसान देश आज भी भुगत रहा है। इसलिए ही हमने बंटवारा भी देखा और भारत के दुश्मनों को उसका फायदा उठाते भी देखा।
इसलिए हमें आज बहुत सावधान भी रहना है। अतीत की तरह ही भारत के उत्कर्ष और उत्थान से परेशान होने वाली ताकतें आज भी मौजूद है, वो आज भी हमें तोड़ने की, हमें बांटने की हर कोशिश करती है। हमें जातियों के नाम पर लड़ाने के लिए तरह तरह के नैरेटिव गढ़े जाते हैं, प्रांतों के नाम पर हमें बांटने की कोशिश होती है। कभी एक भारतीय भाषा को दूसरी भारतीय भाषा का दुश्मन बनाने के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं। इतिहास को भी इस तरह पेश किया जाता है ताकि देश के लोग जुड़े नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर हो। और भाइयों बहनों, इसे एक और बात हमारे लिए ध्यान रखनी आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है कि देश को कमजोर करने वाली ताकत हमेशा हमारे खुले दुश्मन के रूप में ही आए। कई बार ये ताकत गुलामी की मानसिकता के रूप में हमारे भीतर घर कर जाती है। कई बार ये ताकत हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों के जरिए सेंधमारी करती है। कई बार ये तुष्टीकरण के रूप में, कभी परिवारवाद के रूप में, कभी लालच और भ्रष्टाचार के रूप में दरवाजे तक दस्तक दे देती है, जो देश को बांटती और कमजोर करती है। लेकिन हमें उन्हें जवाब देना होगा, हमें जवाब देना होगा भारत मां के एक संतान के रूप में, हमें जवाब देना होगा एक हिंदुस्तानी के रूप में, हमें एकजुट रहना होगा, एक साथ रहना होगा। विभेद के जहर का जवाब हमें एकता के इसी अमृत से देना है। यही नए भारत की ताकत है।